हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पे सीरिया लीग का मैच होने वाला है यूडिनेस वर्सेस नेपोली के बीच 2 घंटे बाद। बहुत तगड़ा मैच है। एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जैकपॉट मैच बन सकता है अगर ये वीडियो पूरी देख लोगे, क्योंकि लिटरली मैंने लिख भी दिया ओपनली कि ये मैच जैकपॉट है, क्योंकि यहाँ पर नेपोली टीम के अंदर जो चेंजेस हुए वो किसी को नहीं दिख रहे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो चेंज यूडिनेस ने किए वो सबको दिख रहे हैं, बल्कि उसमें कोई चेंज ही नहीं है। आप लोग ना क्या देखते हैं कि डिफेंडिंग में कौन चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। बात करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइज, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कई बार लिंक वर्क नहीं करता तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप नेम देख के। तो गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं इस मैच की। तो भाई, पहली गलती जो आपने यूडिनेस के साथ फेवर में नहीं जाना, मैं ये नहीं कह रहा कि यूडिनेस गोल नहीं कर सकती, गोल कोई भी टीम कर सकती है, और बल्कि यूडिनेस टीम इस बार फॉर्म में है। जुवेंटस टीम के खिलाफ भी इन्होंने ड्रॉ किया था, बट देयर वॉज नो रोनाल्डो, बिकॉज ये न्यू सीजन की बात कर रहा हूँ। तो बात करें नेपोली की, तो नेपोली टीम तो ऑलवेज माई हीरो, मतलब सीरी ए लीग के अंदर नेपोली, इंटर मिलन, मिलन एंड लाजियो, ये 4 टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लगती है मेरे को। आप फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर मार्को को, VNZ के खिलाफ मार्को ने पिछले मैच में क्लीन शीट पाई, लेकिन उस वक्त हम सब जानते थे कि यूडिनेस टीम स्ट्रांग है। शायद ये मैच मैंने कवर नहीं किया था, मैं आपको बता दूँ पिछला, और किसी प्रॉब्लम के कारण। तो मैं आगे से बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा कोलिबाली को। कोलिबाली ने जुवेंटस को गोल लगाया, इट्स नॉट अ शॉकिंग मूवमेंट, इट्स अ ग्रेट डिफेंडर। बस शॉकिंग मूवमेंट इतना था कि एक डिफेंडर ने गोल लगा दिया जुवेंटस को। जुवेंटस का नाम बहुत अच्छा, मतलब जुवेंटस काफ़ी चली हुई टीम है, लेकिन इस सीज़न के अंदर जुवेंटस ने एक मैच नहीं जीता, 4 मैच ड्रॉ कर चुकी है, या 3 ड्रॉ कर चुके हैं, 1 लॉस में। मतलब जुवेंटस में जब तक रोनाल्डो था तब तक वो टीम ऊपर थी, तो अब तो नेपोली इस बात का फ़ायदा उठाएगी रैंकिंग के अंदर। बात करें जीडी लोरेंजो की, लोरेंजो इज़ अ ग्रेट डिफेंडर, ये अपने काम से काम रखता है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। ये सिर्फ डिफेंडिंग करेगा, ये नहीं कि भाई आई वो मेरे को डिफेंडर बनने डिफेंडिंग तो मतलब आगे जाऊँगा गोल करूँगा, ये बंदा असिस्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है गोल से ज़्यादा। मोनेल्स की बात करूँ, मोनेल्स भी ठीक है, बट आपको बता दूँ कि अगर कोई 4th डिफेंडर खेले जिसमें आप क्रेडिट बचा सको ना, वो लेना। 8 क्रेडिट का अगर कोई डिफेंडर खेलेगा तो मैं लूँगा, क्योंकि मेलक्विट 64 या 70 मिनट में सब्स्टिट्यूट होता है, मेरा दिल जानता है, मैं तब भी लूँगा, आपको बताऊँगा क्यों। अभी के लिए आप रखो मोनेल्स को। बात करें मिडफील्डर की, इंसाइन, ये तो पेनल्टी टेकर है, पेनल्टी टेकर को हम छोड़ नहीं सकते, एंड इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। 2 बार से कैप्टन ट्राई कर रहा हूँ, उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना VC रखने में होगा, बट मैं ना रिस्क नहीं लेता, क्योंकि पेनल्टी कब आ जाए कब ना आए कोई नहीं जानता। आर प्रेरा की बात करें, देन इट्स अ पेनल्टी टेकर ऑफ UDI, ये यूडिनेस का पेनल्टी टेकर है। दोनों साइड के पेनल्टी टेकर्स मैंने आपको कंफर्म करा दिए कि आपको मुश्किल ना हो बाद में। तो मैं आगे से बात करूं, सेकंड बात, ये जो मैं नेक्स्ट प्लेयर ले रहा हूँ वो है एफ्रूस पेना, ये मेरे को रेगुलर जितवाने में बहुत मदद कर रहा है। ये लोगों की टीम में होता है नहीं, लोगों को लगता है कि क्लीन शीट लगेगी, लेकिन क्लीन शीट का करोगे क्या जब वो बंदा 50-60 पॉइंट अकेला दे जाएगा, 1 असिस्ट करेगा 20 पॉइंट, 2 असिस्ट करेगा 40, और अगर कर दिया गोल देन तो लिटरली मज़ा ही आ जाएगा। तो आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, वैलेस को लूँगा। वैलेस की जगह लेना चाहता था यहाँ से एक प्लेयर जिसका नाम है गेराड, बट गेराड ने जो भी गोल किए हैं वो एज अ सब्स्टिट्यूशन किए हैं पूरे सीज़न में। ये तो वो वाली बात हो गई गाइज कि प्लेयर खेल नहीं रहा तब भी अपनी टीम को जितवा रहा है, लेकिन अपन लोग क्या करें, ये तो एक फैंटेसी में मैं इसको नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कहता हूँ अभी अगर ये ना खेला तो इस बंदे की सिलेक्शन 2 से 3% रह जाएगी, तो इसलिए पहले लाइनअप्स देख लेंगे। आगे से बात करें स्ट्राइकर की, देन यहाँ से लूँगा एम पॉलिटेनो को। पॉलिटेनो ने असिस्ट बहुत अच्छी की थी, और पिछले मैच में तो यहाँ तक कि जुवेंटस को गोल भी लगाया था, जबकि उस वक्त ये मेरा वाइस कैप्टन था और कैप्टन था इंसाइन। और GEN की बात करूँ तो GEN के खिलाफ इस बंदे ने मतलब असिस्ट की थी, इसकी असिस्ट ज़्यादा है, गोल से ज़्यादा असिस्ट हैं इस प्लेयर की। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि विक्टर ओसिमन, आप एक बात सुन के हैरान हो जाओगे, इसकी सिलेक्शन देख लो 22% है, उसके बाद बंदे के पॉइंट देख लो 15, ठीक है, जो देखते हैं वैसे देखो मत, ये मत देखो, आप देख लो शक्ल कुछ मत देखो, आप देखो नाम वी ओसिमन और काम। अब ये वी ओसिमन के हाईएस्ट गोल है पूरे सीज़न में अपनी टीम से, नेपोली की तरफ से, आपको कुछ शॉकिंग मूवमेंट लग रही होगी। लेकिन मैं बात करूँ कैप्टन की, तो मेरा कैप्टन है इंसाइन, वाइस कैप्टन है ओसिमन। लिटरली आप लोग शॉक हो रहे होंगे कि मैंने ओसिमन को वाइस कैप्टन क्यों रखा, इसके पीछे का रीज़न है कि ओसिमन ने अभी भी लास्ट मैच में गोल किए थे 2, उसके बाद जिसमें उसकी सिलेक्शन थी मैं कहता हूँ 30%, 30 से 40, उसके पहले की बात पे आ जाते हैं। जब लोगों ने इस पे भरोसा करना शुरू किया तब ये प्लेयर फ्लॉप हो गया, जबकि मैं इस पे भरोसा नहीं कर रहा था। और पिछले सीज़न पे आऊँ अगर तो इस बंदे के सबसे ज़्यादा गोल देखने को मिलेंगे, और ओसिमन की सिलेक्शन हमेशा रहती है सबसे डाउन। इस मैच में चलना चाहिए भाई, ये दुआ करता हूँ मैं, और
मतलब विश करता हूँ कि ये ऑसीमैन चल जाए इस मैच के अंदर। लिटरली आपको, आपका और ओपोनेंट का दूर का फासला होगा 150-200 पॉइंट का, आप आगे होगे अगर ये चल गया। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय गाइस। आपका ध्यान, मतलब अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।